हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G फ़ोन है, तो रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में नंबर्स वगैरह को आप कैसे अपने रियलमी फ़ोन में चेंज कर सकते हैं और कैसे नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं अपने रियलमी नार्जो 70 प्रो फ़ोन में, और फ़ोन नंबर्स वगैरह को आप सेव कैसे कर पाएंगे रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि नंबर्स वगैरह को आप सेव कैसे कर सकते हैं और फ़ोन नंबर्स को आप सेव कैसे कर सकते हैं रियलमी नार्जो 70 प्रो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे फ़ोन नंबर्स वगैरह को सेव कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन नंबर्स वगैरह को आप सेव कैसे कर सकते हैं रियलमी नार्जो फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, देख सकते हैं शो हो रही है, तो आपको बैक करना है। बैक करते ही फ़ोन आइकन्स पे जाना है, तो फ़ोन आइकन्स है कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। नंबर सेव करना है तो डायल पैड का आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपली बस डायल पैड पे 10 डिजिट नंबर आपको डाल देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे चले जाना है और क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के जरिए नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं इस तरीके से। लास्ट नेम एंड सर नेम डाल देना है, जिससे आपका जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है शो हो जाएगा और सेव हो जाएगा, जो आपके कॉन्टैक्ट गैलरी पे शो करेगा। तो यहाँ से नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के जरिए भी नंबर्स को सेव कर पाएंगे। फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, सर नेम भी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, सेकंड नंबर भी ऐड करना चाहें तो आप कर पाएंगे यहाँ से, जब आप किसी भी नंबर को डालते हैं और बर्थ डेट वगैरह डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, फोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और सेव करते हैं तो नंबर आपका सेव भी हो जाएगा जब आप डिटेल फिल कर देंगे। तो इस तरीके से नंबर्स को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।